ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या बात है, टेक्नोलॉजी की दिल की बात बिल्कुल सही मायने में बयां कर देती। जो मन करे जब मन करे कह दो, शब्दों के थ्रू, इमोजीज के थ्रू। हाँ, जैसे कि उन्होंने कर दिया ये वाला इमोजी भी। कैसे करके देखा नहीं अच्छे से, करके दिखाया ना कहीं। नहीं ऐसा कुछ बताया ना। कितना ब्लश कर रही हैं आप, काश भाई होते यहाँ पे ये देखने के लिए। वैसे मजाक की बात अलग है, पर ये पिक्चर सच में ही बहुत सुंदर है। कितने अच्छे लग रहे आप दोनों साथ में। भगवान करे आपकी लाइफ का हर पल इस फोटो की तरह पिक्चर परफेक्ट। बहुत बार दिखा होगा ना आपने ये सपना। हाँ, लेकिन इसके पूरे होने के आसार मुझे नहीं लगते। आपका काम है सिर्फ सपने देखना और उन्हें देखते रहे, तो देखना एक दिन में पूरा हो जाए। पता नहीं नायरा, मुझे तो अब डर लगता है कोई भी सपना देखने से। बिल्कुल मत डरिए दी, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। बचपन से देख रही हूँ नायरा, अब कब होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगी तो जरूर होगा। किसी और का हाथ थामने से पहले मैं इन दोनों के हाथ मिले हुए देखना चाहती हूं, पर What do you mean possible नहीं है? तुम जानते हो किसे बात कर रहे हो? मनीष गोयनका नाम है मेरा। क्या हुआ भाई साहब? Idiot. बोलता है कि कॉन्फ्रेंस के लिए बुक्ड है। ट्वेल्व में तो कॉन्फ्रेंस, मेरी बेटी की शादी, आई नीड इट। आपने कहा नहीं कुछ एडजस्टमेंट या वगैरह? कहा है, एथिक्स की दुहाई देता कहता, मैंने एथिक्स के खिलाफ है। जस्ट कॉल हिज बॉसेस। हां हां बेटा, जगह तो बढ़िया होनी चाहिए। मनीष जी, और भी तो होटल्स है ना, कहीं कहीं और पता कर लीजिए। अरे हैं, लेकिन बारिशों की वजह से सारी शादियां इंडोर शिफ्ट हो गई हैं। एंड दिस इज द नाइसेस्ट प्लेस नंबर वन। और इस वेन्यू के अलावा मैं अपनी कीर्ति की शादी और कहीं नहीं करूंगा। ये सलाह मैं सच्ची। वेन्यू मैंने बुक कर दिया। लगन बैंक्वेट्स? नो वे, बिल्कुल नहीं। मेरी कीर्ति की शादी वहां नहीं होगी। शुक्र मनाइए कि एटलीस्ट वो जगह मिल गई। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई वेन्यू नहीं मिल रहा। मैं अरेंज कर रहा हूँ। सुन लिया मैंने, वो जगह अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए। हो जाएगी। I'm in touch with his bosses. अभी मैसेज किया है, डबल ट्रिपल पैसे दूंगा, जगह तो लेकर रहूंगा। बात पैसे की नहीं है, किसी और को इनकन्वीनियंस कॉज करके मिलेगी वो जगह। How does it matter to me? मैं बाप हूं उसका, और हर बाप का अरमान होता है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करे, बेस्ट करे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम इन्हें कहा था कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, इसलिए प्लीज डोंट इंटरफेयर विद माई जॉब। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ किसी और के काम। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। और नायरा, क्या हुआ कीर्ति को, इस तरह भाग क्यों गई वो? ऐसे ही नहीं गई है दादी, बहुत ज्यादा दुखी होके गई है वो। हर लड़की चाहती है कि उसे अपने पापा से और अपने भाई से पूरा पूरा प्यार मिले, और वो भी अलग अलग टुकड़ों में नहीं, एक साथ। जैसे मुझे मेरे पापा और मेरे भाई से मिला था, एक हाथ पापा ने थामा तो दूसरा भाई ने। सब यही चाहते हैं, वो भी यही चाहती हैं, पर
उनके साथ तो ये कभी हुआ ही नहीं और ना ही कोई आसार है इसके। आप लोग हमेशा सॉरी बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं बात को घुमा फिरा के नहीं कहूंगी। आप दोनों के झगड़े बहुत डिस्टर्ब करते हैं दी को, बहुत परेशान हो जाती हैं वो। आप लोग अपने नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचें। ऐसे माहौल में विदा करेंगे क्या आप उनको? मुझे भी कोई शौक नहीं अपनी बहन को इस तरह हर्ट करने का, लेकिन दूसरों को भी समझना चाहिए ना। ये देखो इस तरह बात करता है मुझसे, तुम गवाओ, चश्मदीद गवाओ। खबरदार नायरा, जो किसी और की साइड ली तुमने। तुम जानती हो मैं वैसा नहीं हूँ। और मैं वैसा हूँ? अरे इसको देखो ये किस तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं चला ही जाता हूँ, मैं हूँ ही क्यों यहाँ पर? बस उंगली रखिए अपने मुंह पे दोनों। आप दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कार्तिक उंगली रखो अपने मुंह पे। पहले इनसे कहिए ये रखेंगे। इनसे कहिए मैं ही रखेंगे, मैं क्यों रखूं पहले? 1, 2, 3 आप दोनों ने आज के बाद अगर कोई भी झगड़ा या कुछ भी बहस की तो हम सब के सब आपसे इकट्ठे हो जाएंगे। गलती चाहे किसी की भी हो हमें नहीं पता, है ना? हाँ हाँ आप लोग साथ देंगे ना इसमें मेरा? बताइए करेंगे आप झगड़ा? ये हुई ना बात। चलिए अब दोनों हाथ मिलाइए। इसे तुम्हें क्या मतलब है? ये बिजनेस है, पैसे दे रहा हूँ। जो ज्यादा पैसा देगा वेन्यू उसे मिलेगा और बिजनेस में ये सब चलता है। आपके यहाँ चलता होगा, मेरे साथ नहीं चलता। मेरी बहन की शादी मेरे लिए पर्सनल है, इमोशनल है। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या है और मेरी बेटी की शादी कुछ नहीं है मेरे लिए। हे भगवान इन दोनों का मैं क्या करूं? लव कुश की तरह आसान क्यों नहीं है इनको समझाना? हे भगवान क्या आपके भाई और पापा का ना कुछ नहीं हो सकता? कचरा करके रख दिया मेरे प्लान का। क्या बात कर रही हो नायरा, मैंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग भी की थी तुम्हारे कहने पे। दी मैं नहीं कर सकती लेकिन आप कर सकती हैं। क्या? नहीं 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 नायरा मुझसे नहीं पाएगा प्लीज। क्यों दीदी ट्राई तो कीजिए। देखिए दोनों ही आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस इस प्यार का फायदा उठाइए ना, ये उन्हीं की भलाई के लिए तो है। हाँ दी उसमें कोई शक नहीं है, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। देखा मैंने पहले ही कहा था मेरी किस्मत में ही नहीं है ये सुख। ऐसे कैसे नहीं है? इतनी जल्दी हार मत मानिए दी। एक बार फेल हो गए इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उम्मीद छोड़ के बैठ जाएं। दी, हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा आप देखना। सॉरी हमारी वजह से तुम हर्ट हुई। आज के बाद ये कभी नहीं होगा। I love you, बेटा।
पापा रियली लव्स यू। और मुझे तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, तू तो जानती है आई लव यू मोर। पापा की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उनकी बेटी कभी हर्ट ना हो। और ये एक भाई का प्रॉमिस है कि उसकी बहन कभी हर्ट नहीं होगी, कभी नहीं रोएगी। आप दोनों की कोशिश ही मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। ये रिश्ता क्या कहलाता।